हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हम सोईबान, जो कि एक PhD मरीन बायोलॉजी स्टूडेंट थी, उसे देखते हैं जो डीप सी के एनवायरनमेंट और उसके क्रीचर उनके बारे में रिसर्च कर रही थी। अगले दिन ऑफिस की पार्टी रहती है जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर वो अपने काम को लेकर इतनी सीरियस होती है कि रिसर्च के लिए वो एक हफ्ते का फिशिंग ट्रैवलर रेंट करती है। उसके साथ क्रू में 6 लोग होते हैं, शिप के कैप्टन गेराल्ट, उसकी पत्नी फ्रेयाम, जॉनी, सूरी और सियाराम जो कि शिप इंजीनियर थे, और ओमिड। अब ये लोग अपने सफर पे चलने के लिए तैयारी करते हैं। हम ओमिड और सूरी को देखते हैं जो शिप का इंजन चेक कर रहे थे। तभी वहाँ पे गेराल्ड आता है और वो दोनों भी वहाँ पे आते हुए गेराल्ड को उसकी पिछली पेमेंट को पूरा करने के लिए कहते हैं। गेराल्ड उन्हें पैसे देने का वादा करता है और सब लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ 4 ही बेड्स रहते हैं, तो जॉनी उसे बताता है कि 3-3 के ग्रुप में लोग शिफ्ट में सोने वाले हैं, हर एक को सिर्फ 2 घंटे ही सोने मिलेगा। ये सुनते ही शोएबान काफी हैरान होती है क्योंकि इतने कम नींद में तो सब लोग बीमार हो सकते हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। वही हम गेराल्ड और फ्रेया को देखते हैं जो ट्रिप की अगली प्लानिंग कर रहे थे, और उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप किसी एक्सक्लूसिव जोन में से जाने वाली है, जहाँ पे जाना सबके लिए मना है, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए वो ये सारी बातें सबसे छुपा के रखते हैं। अब देखते ही देखते डिनर के बाद सियोबान सोने चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो डेक के ऊपर जाती है जहाँ पे उसे फ्रेया मिलती है, और इन समुंदर के गहराइयों में से वो एक राज बताती है। वो कहती है कि ऐसे ही एक जहाज में एक लड़की और उसका साथी था, उसके साथी की समुंदर में मौत हुई थी, इसीलिए वो लड़की काफी ज्यादा दुखी होती है, और इसी में वो अपने आप को समुंदर के हवाले कर देती है, और इसी तरह वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है। रात में ये चमकता हुआ पानी उस लड़की के बाल है, और इसी तरह इनकी पहली रात बीतती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं इन्हें अपने शिप के पास कुछ वेल्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देख सियोबान काफी हैरान होती है क्योंकि वेल्स अकेले रहना पसंद करते हैं, ना कि शिप के रूट के आसपास जहाँ पे काफी शोर शराबा होता है। तभी श्रेया उसे बताती है कि 1 माइल के अंदर उन्हें एक और वेल का बड़ा सा झुंड मिला है। तभी अचानक से उनकी बोट किसी चीज में फंस जाती है। ओमिड जल्दी इंजन रूम में जाकर चेक करने लगता है और उसे वहाँ पे एक ब्लू ग्रीन स्लाइमी मटेरियल मिलता है। सोयबन वहाँ आके उसका सैंपल लेती है। तभी फ्रेया मैप चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वे लोग एक्सक्लूसिव जोन में जहाँ पे शिप का जाना मना है वहाँ पे पहुँच गए हैं, और इसी वजह से उन्हें वहाँ पे एक वेल दिखाई दी थी। अब गेराल्ट सोयबन को पानी में जाकर चेक करने को कहता है क्योंकि सिर्फ उसी के पास डाइविंग सूट होता है, ताकि वो चेक कर सके कि शिप किस में अटकी है। अब सोयबान अपना सूट पहनकर पानी में चेक करने के लिए जाती है और उसे वहाँ पे बहुत ही बड़े टेंटिकल्स ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक टेंटिकल देखते देखते उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो बचकर चालाकी से शिप में वापस आ जाती है, और वो बताती है कि उसे कुछ बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स दिखाई दिया जिसके काफी सारे टेंटिकल्स हैं, और वो शिप के बॉडी पर और वो शिप पर चिपका हुआ है। अब गेराल्ड उसे एक जायंट स्क्विड यानी ऑक्टोपस का स्पीशी बताता है और उसे पकड़ने का प्लान करता है। वो एक बहुत ही बड़े नेट को पानी में डालता है, पर वो क्रीचर काफी भारी था। तभी जॉनी का हाथ अचानक से रस्सी खींचने वाली मशीन में फंस जाता है और उसका हाथ बुरी तरीके से कट जाता है, और तभी सियोबान को उसके खून के पास वही स्लाइमी मटेरियल मिलता है। अब ये सब लोग बुरी तरीके से इस स्नो जोन में फंसे हुए थे, इनके वापस जाने का कोई भी साधन नहीं था, इनका रेडियो खराब हुआ था, खाना खत्म होने आया था, सब लोग देखते ही देखते पैनिक करने लगते हैं। तभी अचानक से सियोबान को दूर पर एक दूसरी शिप नजर आती है, जिसे देख सारे क्रू खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब बचाने के लिए कोई तो आने वाला था। अब इसी उम्मीद में गेराल्ड, जॉनी और सियोबान रेडियो और खाने की तलाश में एक राफ्ट से उस शिप के पास जाने निकलते हैं। जब थोड़ी देर के बाद वहां पे पहुंचते हैं तब उन्हें उस शिप में कोई भी नहीं मिलता, और इस शिप का रेडियो भी पहले से खराब था। पर जब वो शिप के बेसमेंट में जाते हैं तो वहां पे उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती है जिनकी आंखें गायब थी। ये देख गेराल्ड उन्हें बताता है कि शायद इन्हें सी फीवर हुआ था, और वो ये बात बाकी सबको बताने से मना कर देता है। अब ये सब लोग अपने शिप में वापस आकर देखते हैं कि उस क्रीचर ने शिप को छोड़ दिया है। वो थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वापस जाने के बजाय वो फिर भी एक्सक्लूसिव जोन के अंदर ही चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गेराल्ट फ्रेया को मछलियां पकड़ने के लिए कहता है, पर फ्रेया उसे समझाती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो क्रीचर वापस हमारे पीछे आ सकता है, हम पर हमला कर सकता है। पर गेराल्ट उसे कहता है कि अगर हमने ढेर सारी मछलियां नहीं पकड़ी तो हमारा घर, हमारी बोट, सब कुछ चला जाएगा। दरअसल इन्हें पैसों की काफी जरूरत होती है, इसीलिए कैप्टन जानबूझ के इस एक्सक्लूसिव जोन
में ये बोट लेके आया था, क्योंकि इस एरिया में कोई भी नहीं आता, इसके कारण यहाँ पे काफी मछलियाँ हो सकती है जिससे ये लोग ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। अब फ्रिया जाल डालती है और जल्दी उसे काफी सारी मछलियाँ मिलती है। अब रात को हम देखते हैं कि जॉनी और सियोबान बेडरूम में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पे सूरी उन दोनों को भी डिनर के लिए लेके जाता है और डिनर के बाद जॉनी समुन्द्र में ही तैरने के लिए चला जाता है, पर सियोबान और सियारा उसे रोक लेते हैं। सियोबान उसका हाथ चेक करने की रिक्वेस्ट करती है पर वो मना कर देता है। तभी अचानक से उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। सियोबान को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई देता है, पर गेराल जब चेक करता है तो उसे उसकी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उसका वहम समझ के सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सूरी बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है, तो वही दूसरी तरफ जॉनी आंखों से काफी परेशान उन्हें धोने जाता है और अचानक से उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते उसकी पूरी आंखें बुरी तरीके से ब्लास्ट कर जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है। ये देख सब लोग डर जाते हैं। तभी सियाबर उन्हें बताती कि ये स्लाइमी जो मटेरियल है वो दरअसल एक पैरासाइट है जो कि शिप के पानी के सिस्टम में ही घुस चुका है। तभी उन्हें पता चलता है कि सूरी भी अभी भी शावर में ही है, उसे रोकने के लिए जाते हैं पर वो मजाक समझ कर नहीं करता और देखते ही देखते शावर में पानी रुक जाता है और उसी में से वो पैरासाइट आकर उस पर हमला कर देता है। सूरी काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद सियोबान क्रू को दूसरी शिप की सारी सच्चाई बता देती है। गेराल्ड, ओमिड और सियोबान को हर 2 घंटे में वाटर चेक करने के लिए कहा जाता है। ओमिड और सियोबान खुद वाटर फिल्टर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस पैरासाइट ने सारे फिल्टर्स को खराब कर दिया है। अब देखते ही देखते अगली सुबह हो जाती है, वो जॉनी का फ्यूनरल करते हैं और वही सियोबान को वो पैरासाइट शिप पर दोबारा दिखाई देता है। वो भागते हुए सैंपल चेक करने के लिए जाती है माइक्रोस्कोप से और उसे पता चलता है कि ये स्लाइमी मटेरियल दरअसल किसी वेल का लार्वा यानी एक तरह का बैक्टीरिया है जिसमें अब एक बनना शुरू हो गया है। तभी सूरी ये सुनकर परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। यहाँ पे ओमिड और सियो उन एग्स को यूवी रेज से खत्म करने की कोशिश करते हैं पर नाकाम होते हैं। लेकिन तभी सियो को एक आइडिया आता है, वो बताती है कि अगर उन्होंने शिप के पास करंट छोड़ दिया तो वो पैरासाइट मर जाएगा। फ्रेया उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो शिप उसकी थी और उससे काफी नुकसान होता और इंजन भी खराब हो जाता, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था इसीलिए वो मान जाती है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं सूरी की हालत खराब होने लगती है। बाद में ओमिड और सियो शिप और उसके आसपास के पानी में करंट छोड़ देते हैं। इसके बाद सियो उन्हें शिप को रोकने के लिए कहती है क्योंकि अगर शिप में अभी भी इन्फेक्शन हुआ तो किनारे पर जाने के बाद लोगों को भी ये इन्फेक्शन लग सकता है और बहुत ही बुरी कंडीशन होगी, पर फ्रेया उसे साफ मना कर देती है। तभी हम सियारा को देखते हैं जो सूरी की हालत देखकर काफी रोने लगती है, पर वही कुछ ही देर के बाद सूरी भी मारा जाता है। अब सबको पता चल गया था इस चीज से बचना काफी मुश्किल है। सूरी का फ्यूनरल करते हैं और उसके मौत के बाद सियो फिर सबको वार्निंग देती है कि किनारे तक ना जाए और 36 घंटे तक के लिए उन्हें क्वारंटीन यानी अकेले ही रहना होगा इसी शिप में, पर इसके बाद कोई भी नहीं मानता तो वो जाकर एक रस्सी से शिप का प्रोपेलर तोड़ देती है। इसे देख सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और सियारा उसे पंच मारती है। इसके बाद सियो उन्हें शिप पे रुकने के लिए मना लेती है, वो सबको इन्फेक्शन चेक करवाने के लिए कहती है और एक एक करके सबकी आंखें चेक करने के बाद पता चलता है कि सब लोग ठीक थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गेराल्ड की आंखें अभी तक चेक नहीं की है। वो मना करने लगता है लेकिन फिर भी उसकी पत्नी फ्रेया उसकी आंखें चेक करती है और वो ये देख हैरान होती है कि गेराल्ड भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो काफी डर जाती है और तभी गेराल्ड सबको एक्सक्लूसिव जोन की सच्चाई बता देता है कि वो सब लोग इसी जोन में है और उसी ने ये सारी बात छुपाई थी क्योंकि उसे मछलियां पकड़ के पैसे कमाने थे। ओमिड और सियारा इस बात पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग ऊपर डेक पर ही जाते हैं पर अचानक से सियाराम सीढ़ियों पर सियो को पकड़ उसे मारने की कोशिश करती है। सियो समझ जाती है कि ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, वो सियारा को सीधे से गिरा देती है। अब सीढ़ियों से गिरने के कारण सियारा वहीं पे मारी जाती है। तब तक गेराल्ड और फ्रेयाम अपना आखिरी समय एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद गेराल्ड भी मारा जाता है। अब फ्रेया शिप की एक राफ्ट लेकर अकेले ही कोस्ट की तरफ जाने लगती है। ओमिड उसे बताता है कि 36 घंटे वो अकेले राफ्ट में नहीं रह सकती, उसके लिए काफी खतरनाक होगा, लेकिन वो नहीं सुनती और निकल जाती है। अब शिप में सिर्फ ओमिड और सियोबान ही बचे हुए थे, वो दोनों भी पैरासाइट को मारने की प्लानिंग करते हैं। वो शिप के वाटर टैंक के पास जाते हैं और उसे गर्म करने की कोशिश करते हैं जिससे वो पैरासाइट को स्लो करके उसे मार सके। जैसे ही वो टैंक खोलते हैं तो देखते हैं कि लार्वा के एग्स अब बड़े बड़े
मैग्निफिसेंट क्रीचर बन चुके हैं जो ओमिड पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वो समुद्र में चले जाते हैं जबकि टैंग से समुद्र का कोई रास्ता नहीं था। यानी वो दोनों भी समझ जाते हैं कि दरअसल इस पैरासाइट ने शिप का नीचे का हिस्सा खा लिया होता है, इसीलिए सीधा समुद्र में जाते हैं जिससे अब शिप जल्द ही डूबने वाली थी। अब वो रात में शिप को आग लगाकर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं और रेस्क्यू सूट पहनकर एक छोटी सी लाइफ बोट में समुद्र में उतर जाते हैं। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक शिप दिखाई देता है, उसी की तरफ ये दोनों भी जा रहे थे और ओमिड अचानक से पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था, ये देख सियो बानू से बचाने के लिए समुद्र में कूदी मारती है। वो ओमिड को तो बचा लेती है लेकिन वो ग्लोइंग क्रीचर आकर सियो बान के हाथ पर हमला कर उसे इन्फेक्ट कर देता है। दोनों भी बच तो गए थे लेकिन सियोबान इन्फेक्टेड थी, पर दूसरे ही पल सियोबान खुद का सैक्रिफाइस करते हुए पानी में वापस डाइव मारती है और उस क्रीचर की तरफ चली जाती है। अब सिर्फ ओमिड ही इस खतरनाक एक्सपीरियंस से बचा हुआ था और वो मदद का इंतजार करने लगता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। काफी इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी थी, इसे काफी इम्प्रूव कर सकते थे लेकिन कहानी थोड़ी वीक थी। आपको क्या लगता है मूवी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।